सवाल नंबर दूसरा, वह छोटी से छोटी संख्या याद करनी है जिसको गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो सबसे पहले हम गुणनखंड करते हैं, 396 के गुणनखंड करेंगे तो इससे खंड आएंगे 2, 2, 3, 3 और 11। 396 बराबर 2 × 2 × 3 × 3 × 11। आप फिर इसके जोड़े बनाएंगे तो 2 का जोड़ा है और 3 का जोड़ा है, परंतु 11 का जोड़ा नहीं है। तो 11 से अगर इसको गुणा कर दिया जाए तो इसका भी जोड़ा प्राप्त हो जाएगा और इस प्रकार से यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। इसलिए इसका उत्तर आएगा 11 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अब इसी प्रकार से सवाल नंबर तीसरा है कि किस छोटी छोटी संख्या से भाग करें कि भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो संख्या हमारे पास दी हुई है 180, 180 के गुणनखंड जब हम करेंगे तो पहले 2 से काटेंगे तो 90 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 45 आएगा, 3 से काटेंगे 15 आएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 5 आएगा, 5 का नाम 5। इस प्रकार से 180 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 × 2 × 3 × 3 × 5। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 2 का जोड़ा है, 3 का जोड़ा है और 5 का जोड़ा नहीं है। तो गुणे वाले सवाल में होता था कि हम गुणा करना है, गुणा करके जोड़ा बनाते हैं। अब इसमें गुणा भाग करना है तो भाग करने का मतलब है कि जो खंड जोड़े में नहीं है उसी से भाग कर देते हैं तो पूरा पूरा कट जाता है, शेष खंड बच जाते हैं, वो वर्ग वो जोड़े में होते हैं, इस प्रकार से वो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है। तो इसमें जिसका जोड़ा नहीं है गुणे में उससे गुणा करते हैं, भाग में उससे भाग कर देते हैं उसी खंड से जिसका जोड़ा नहीं, इस प्रकार संख्या जो है ये पूर्ण वर्ग बन जाती है। बस।